हाय दोस्तों, आज लेके आए हम GR का रेनो बैट। तो आज इस बैट की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद उसके पूरी डिटेल जानेंगे कैसे इसको किस किस बॉल से इसको इससे खेल सकते हैं अपन। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। गाइस, आ चुका है अपना ये रेनो बैट जो है और GR का बैट है और इसका ये बिल है, तो बिल की बात लास्ट में करेंगे अपन, पैसे की बात जो है। और अब मैं इस बैट को देखिए, इसके अंदर ये एक कैरी बैग भी आता है, जो आराम से अपन इस बैट को लेके जा सकते हैं ऐसे। और यहाँ से ये जैसे दिख भी रहा है, मैं इसको खोलता हूँ। तो गैस, ये आ चुका है बैट और एक बार मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ आपको, फिर इसको बैग को अपन कवर को साइड में कर देते हैं फिर। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ जो है ये चिपकाने के लिए है ही, यहाँ ये पॉलीथीन लगी हुई है ताकि यहाँ से दिख चुके हैं। और यहाँ इसका जो ये बिल है, बैट GR बैट रियानो कश्मीरी विल्लो बैट है, ब्लैक कलर के साथ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टेप आउट, ये जो GR का ये लोगो, GR का जो GR लिखा हुआ है, GR एट है, इसके अलावा ये है। तो इसको हम साइड में कर लो, आप देखते हैं ये बैट। तो ये जो बैट है बहुत ही प्यारा बैट है, बहुत। यदि आप टेनिस बॉल से खेलते हो, चाहे वो हार्ड टेनिस हो चाहे वो सॉफ्ट टेनिस हो, किसी भी बॉल से खेलते हो, ये बैट जो है बहुत बढ़िया है। अगर मैं टेनिस बैट से बात करूँ तो टेनिस बैट के लिए सबसे शानदार जो बैट अगर आप देखने जाओगे तो सबसे शानदार बैट ये बैट है, चाहे उसे हार्ड टेनिस हो चाहे वो सॉफ्ट टेनिस हो। तो ये जो बैट है, देखिए एक ही खास बात यह है कि मेड इन इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ये बना हुआ है। इसके अलावा GR 8, ये जो इसके मॉडल नंबर GR 8, तो ये ब्रांड है और जिसको रेनो है, ये रेनो इसका क्या है जो मॉडल नंबर है इसकी ग्रिप की, तो ग्रिप जो है, ग्रिप की क्वालिटी बहुत शानदार है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आप यहाँ से देख लीजिए ग्रिप की क्वालिटी है ये, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखाने वाला हूँ यहाँ से। इसके अलावा और यहाँ जो है, यहाँ ये GR 8 का ये लगा हुआ, इधर लोगो भी लगा हुआ है। और पूरा जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये हाथ, ये कितना क्या पकड़ में, जिसके पकड़ने के लिए मोटाई है, ये इसकी मोटाई जो है मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कश्मीरी विल्लो लिखा हुआ है, कश्मीरी विल्लो है। और यहाँ पे स्टिकर है, बहुत ही अट्रैक्टिव स्टिकर है। यहाँ से पीछे से आप देखोगे तो ये स्टिकर भी बहुत शानदार है और यहाँ से ये एट लिखा ही हुआ है। और आगे बात करें अपन इसकी ग्रिप की, तो ग्रिप जो है बहुत अच्छी ग्रिप है, ये ग्रिप जो आपको दिख रही है। यहाँ से बात करें तो यहाँ से देखिए, थोड़ी सी दिक्कत आई है कि ये जो हत्ता होता है, ये जो हैंडल होता है, ये निकलने की पॉसिबिलिटी होती है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हत्ता बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ये। और यहाँ बात करूँ तो गंदा जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, किस उम्र तक का बच्चा काम में ले सकता है, किस उम्र तक का जो क्रिकेटर है वो इसको काम में ले सकता है, उसकी बात करते हैं। तो ये जो बैट है, ये बैट अगर मेरे जैसी हाइट है, मेरी 5'5" की हाइट है, 5'5" या उससे ऊपर के जितने भी क्रिकेटर हैं वो इसको काम में ले सकते हैं। और रही बात उम्र, तो 15 साल तक के से ऊपर तक का बच्चा इसे आराम से खेल सकता है। और कौन सी बॉल से खेल सकता है, तो उसके लिए मैं, अगर आप हार्ड टेनिस बॉल से खेलते हो, हार्ड टेनिस बॉल से, तो उसके लिए तो ये बहुत बेहतरीन बैट है। यदि हार्ड से टेनिस से खेल सकते हो तो सॉफ्ट टेनिस रूम से तो आप आराम से खेल सकते हो। इस बैट की खास बात क्या है कि ये बैट लाइट वेट है। इसका जो वज़न है, इसका वज़न 900 ग्राम के आसपास है, 900-950 के आसपास है। तो इसका ग्राम, तो गाइस वज़न के हिसाब से, वेट के हिसाब से ये हल्का है, रहने की वजह से इसको अपन आराम से शॉट खेल सकते हैं। देखिए, मतलब क्लाई का उपयोग कर सकते हैं, किधर भी लंबे लंबे शॉट लगा सकते हो आप इससे। बहुत बढ़िया बैट है। यदि आप टेनिस बॉल से खेल रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बैट को ज़रूर खरीदना और एक बार ज़रूर लेके देखना। ये बैट बहुत अमेजिंग बैट है, बहुत शानदार बैट है। गाइस, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये कितने रुपए का है, देखिए इस पे MRP 1699 रुपए लिखी हुई है और 1699 इसकी MRP है, जबकि ये जो बैट है, ये जैसे हमने, मैं बिल में दिखाता हूँ आपको, 1312 रुपए का हमने खरीदा है, 1312 रुपए का हमने खरीदा है। और लगभग यही प्राइस रहती है इसकी, 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकती है ऑफर के हिसाब से, बाकी की एक बार यदि आपने पैसे खर्च किए हैं, यदि आपने एक बार 1300 रुपये खर्च किए हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको 1300 रुपये का। बहुत से खिलाड़ियों की ये होती है कि ये ब्लैक कलर है और यदि अपन इसे बॉल से खेलेंगे, बॉल मिट्टी से आ रही है, आकर के इसके टकराएगी तो ये ख़राब हो जाएगा।
ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऑयली पेंट है, इसके ऊपर जो पेंट हुआ है, अगर यदि ये जैसे ही गंदा होगा, यदि आपने इसको हाथ से फेर दिया तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जैसा नॉर्मल है पहले के वैसा हो जाएगा। यहाँ इसकी बात करूँ तो मोटाई भी देख लीजिए आप, ये मोटाई भी बहुत अच्छी खासी मोटाई है, उसके हिसाब से टेनिस बॉल के हिसाब से बढ़िया है ये। और विल्लो की बात करें तो ये कश्मीरी विल्लो बैट है, ये जो बैट है वो कश्मीरी विल्लो बैट है। प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर है ये, बट अगर क्वालिटी की बात करें या सॉफ्ट ये हार्ड बॉल से खेलना हो या सॉफ्ट बॉल से खेलना उनसे बात करें, वजन के हिसाब से बात करूं तो ये जो बैट है बहुत ही शानदार बैट है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर मैं इसी प्रकार के बैट क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं एक नई अनबॉक्सिंग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।